नमस्कार, आज है रक्षाबंधन। अब परंपरा तो यही है कि आज के दिन भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और उनसे उनकी सुरक्षा का वादा करते हैं। तो जी बिजनेस पर हम भी इस प्रथा को आगे लेकर जाएंगे हमारे खास शो के जरिए, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी पक्की करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा खास शो सुरक्षा बंधन शेयर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आज के खास शो को और खास बनाने के लिए हमारे साथ तीन जाने माने और बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं स्मिथ्स के शरद अवस्थी जी, शेयर खान के संजीव होता जी अभी आज हमारे साथ हैं शो पर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी जी भी आज आपकी मदद के लिए खास हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो शरद जी, संजीव जी और सिडानी जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की, इनफैक्ट पूरे त्योहारी सीजन का जो आगाज हुआ है उसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। शरद सर, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर, जरा बताइए कि कैसे की जाए हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो की सुरक्षा, आपका पहला सुरक्षा शेयर। तो पहला स्टॉक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है आर्कियन केमिकल्स। रिसेंटली थोड़े टाइम पहले इशू आया था कंपनी का, केमिकल कंपनी है, पिछले कुछ समय में केमिकल कंपनीज में रिवाइवल भी थोड़ा सा देखने को मिला है। कंपनी प्राइमरीली ब्रोमाइन और सॉल्ट कंपनी है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली भी और इंडिया में भी। 60-65% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन ऐसे नंबर्स में दिखता है, लेकिन एक बड़ी कॉरपोरेशन है जापान की जहाँ वो बेचते हैं ज़्यादातर अपना प्रोडक्ट, और वहाँ से वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कंपनी जापान और कोरिया में भी। तो एक्चुअल क्लाइंट बेस में कोई ऐसी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कंपनी ने रिसेंटली ब्रोमाइन सॉल्ट डेरिवेटिव्स में भी अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है। एक डिसेंट कैपेक्स ऑलरेडी वो कर चुके हैं, January 2023 में वो चालू हुआ था, और एक कैपेक्स इस साल के अंत तक वापस आ जाएगा 18,000 MTPA का। तो हमें लगता है ये दोनों चीज़ें मिला के कंपनी के फॉरवर्ड नंबर्स काफ़ी अट्रैक्टिव रहने चाहिए। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, अगर हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 2 साल में ग्रोथ काफ़ी रैपिड रहनी चाहिए। FY25 की अर्निंग करीब 60 रुपये के आसपास आनी चाहिए, तो हमें लगता है 60 रुपये पर कंपनी अगर बहुत नॉर्मल मल्टीपल्स 15-16 के आसपास भी ट्रेड करती है तो 900-905 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से आर्कियन केमिकल्स। केमिकल स्पेस काफ़ी बजिंग है, हाल फिलहाल में भी अच्छी स्ट्रेंथ इस पूरे ही सेक्टर ने दिखाई और आर्कियन केमिकल, शरद जी का भरोसा है इसके साथ, और अगर आपके पोर्टफोलियो का ये हिस्सा होता है तो 12 महीने के टाइम फ्रेम में ना सिर्फ सुरक्षा मिलेगी बल्कि पक्के रिटर्न्स भी मिलेंगे। 900 तक का टारगेट आर्कियन केमिकल्स में बनता दिख रहा है। चलिए संजीव सर, अब आपकी बारी आती है। अब जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, किसी को सुरक्षा का वादा देते हैं तो ऐसी हल्की फुल्की सुरक्षा तो चाहिए नहीं, बिल्कुल पक्की 5-स्टार सुरक्षा चाहिए। जरा बताइए रक्षाबंधन शेयर आपकी तरफ से पहला कौन सा होगा? जी, जो पहला पिक होगा मेरी तरफ से वो है 5-स्टार फाइनेंस। ये कंपनी छोटे बिजनेस को फाइनेंस करती है, और सबसे अच्छी बात है इसका जो फिल्टरिंग प्रोसेस है लोन देने का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर पीएस की बात करें, इसका जो फिल्टरिंग प्रोसेस है लोन देने के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से इसका जो एनपीए है बहुत कम है पीएस की अगर रिलेटिव वहाँ पे कंपेरिजन करें। अभी इसका जो बुक साइज है, एयूएम साइज है, करीबन 7,600 करोड़ का है, और कंपनी जिस तरह से एक्सपांड कर रही है, वो ब्रांच एक्सपांसन हो या एम्प्लॉय का एक्सपांसन हो, कंपनी का मैनेजमेंट का जो ये मानना है कि करीबन 26% का अर्निंग ग्रोथ होगा और उसके 35% का लोन बुक ग्रोथ होगा। कंपनी अभी भी देखिए 3.7 times बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है FY25 को, और प्रीमियम इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंसिस्टेंटली कंपनी डिलीवर कर रहा है अर्निंग पे। तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा पिक रहेगा नेक्स्ट 12 months के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे जो प्राइस टारगेट हमने अभी डिसाइड किया है वो है 900 rupees का। ये भी एक अच्छा बजिंग स्पेस है जहां पर खासा भरोसा बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सेक्टर ही है उस पर खासी नजर है, काफी सारे प्लान्स भी इसको लेकर आ रहे हैं और उसी में से एक है 5-स्टार बिजनेस। तक की पगड़ी आप कह सकते हैं, पक्की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है लंबी अवधि के लिहाज से भी, और अगर 12 महीने भी आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो 900 तक का टारगेट तो डेफिनेटली इसमें आगे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सिद्धार्थ सर, अब आपकी बारी आती है। ज़रा बताइए कि ऐसा कौन सा आप नायाब तोहफा चुनकर लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए सुरक्षाबंधन शेयर बतौर। गुड आफ्टरनून नेहा और गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। जब हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं
तो रक्षाबंधन की सबको सबको बहुत बहुत बधाई, और रक्षाबंधन के दिन पे सुरक्षाबंधन वाला शेयर होगा वो फाइनेंस का होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत, और ये फाइनेंस वाला स्टॉक होगा चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस। चोला इन्वेस्ट एंड फाइनेंस, चोला मंडलम इन्वेस्ट एंड फाइनेंस को खरीदना चाहिए। टारगेट में बता दू 1425 का, 1425 का। एनबीएफसी कंपनी है, सेमी अर्बन रूरल, सेमी रूरल पे बहुत अच्छा काम करती है, व्हीकल लोन फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और पहले तिमाही के जो एयूएम ग्रोथ हमने देखे हैं वो करीबन 40% का दिखा है, मुनाफा 28% से बढ़ते हुए दिखा है, और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है कि लोन ग्रोथ 30% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। ये बहुत सारे नए सेगमेंट्स में एंटर हो रहे हैं, जैसे कि एसएमई, कंज्यूमर फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, तो ये सब सेगमेंट्स में अच्छे यील्ड मिल सकते हैं चोला इन्वेस्टिंग फाइनेंस को। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कंपनी ये समझ रही है कि पिछले 10 से 12 साल में जो ग्रोथ हुई है उससे ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकते हैं FY24 में, 1425 के टारगेट के लिए चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एक जाना माना नाम, कई बार आपने अपने चहेते चैनल पर इस पर डिस्कशन और भरोसा भी बनते हुए देखा है, और आज सुरक्षा बंधन शेयर इस खास पेशकश में सिडानी जी की तरफ से 12 महीने के टाइम फ्रेम में इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की राय है। 1425 तक का टारगेट यहां बनता दिख रहा है। चलिए अब शरद जी सर आपके पास वापस लौटते हैं, जरा बताइए एक ऐसा शेयर जो ना सिर्फ सुरक्षा प्रदान करे बल्कि अच्छे से चमका कर रखे पोर्टफोलियो को, और जब हम उसको कुछ महीनों या सालों बाद देखें तो लगे वाह क्या चॉइस थी, क्या गिफ्ट था। जी ये स्टॉक है ABFRL, पोर्टफोलियो को नहीं हमको भी चमका सकता है, इनकी जो वार्डरोब है उसके हिसाब से, चाहे एथनिक वियर हो चाहे फॉर्मल वियर हो। कंपनी के पास 3-4 बड़े ब्रांड्स हैं, लुई फिलिप, वैन हुसैन, इन सब में मुझे लगता है ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। टेक्सटाइल रिलेट में आपको थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल का या प्रॉब्लम था वो भी कम हो गया है अभी, तो उसका भी फ़ायदा कंपनी में आने वाले समय में मिलना चाहिए। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी सारे एक्विजिशन किए हैं, रिसेंटली TCNS वाला एक्विजिशन भी किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए, और अर्बनाइजेशन और राइजिंग पर कैपिटा इनकम का जो ट्रेंड है उसकी वजह से आपको इस टाइप के कंज्यूमेबल्स में, रिटेलिंग में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। और जैसा कि आपने अभी शुरुआत में बोला कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत है, तो ऑब्वियसली इसका भी रब ऑफ इफेक्ट एटलीस्ट 2 क्वार्टर आपको काफ़ी तगड़ा मिलना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जैसी कंपनी की योजना है लॉन्ग टर्म में लगभग रेवेन्यूज को डबल करने की 25,000 करोड़ के आसपास, हमारे हिसाब से उसकी बेस बिल्डिंग हो चुकी है। एथनिक वियर ब्रांड भी वो बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में लगभग ब्रेक इवन पे आ जाएगा, तो उससे काफ़ी बड़ा सहारा नंबर्स को मिलना चाहिए। इस क्वार्टर के नंबर्स में जो लॉस वगैरह रिपोर्ट किया वो मेरे हिसाब से लास्ट है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगले 1-2 सालों में आसान 2-3 सालों में आसानी से कंपनी 400-500 करोड़ की बॉटम लाइन रिपोर्ट करेगी। तो इस नतीजे से मुझे लगता है कि ABFRL काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले होना चाहिए आने वाले समय के लिए। मुझे लगता है इनिशियली 250 से 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ABFRL बहुत बढ़िया बैठे। हमने देखा है कि ये वाली जो स्पेस है इसमें बहुत सारे एंट्रेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इसकी डिमांड इतनी ज़बरदस्त है, कंजम्पशन इतनी तेज़ है कि इसमें लगातार और मजबूती के चांसेस हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ABFRL या AB Fashion जैसे हम इसे जानते हैं, इसमें अच्छे खासे मौके दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे खासे तो दिखेंगे ही, आपका वार्डरोब तो चमकेगा ही, लेकिन साथ ही आपके पोर्टफोलियो को और आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा को सिक्योर करता हुआ ये डेफिनेटली नजर आ रहा है। 12 महीने के टाइम फ्रेम में 275-300 तक का टारगेट यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। चलिए संजीव सर अब आपकी बारी आती है, जरा बताइए ऐसा कोई पक्का वाला शेयर जो ऐसा रियल लाइफ वाला ही नहीं रियल लाइफ वाला साथ दे, कौन सा ऐसा शेयर आप लेकर आए हैं। जी जो सेकंड पिक है वो है PVR आइनॉक्स, और हम सभी जानते हैं कि PVR आइनॉक्स का भी मोनोपोली है इन मल्टीप्लेक्स स्पेस में, और जिस तरह का अभी एक इन्वेस्टर के माइंड में फियर था कि अभी OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, मूवी देखने कोई जा नहीं रहा है, लेकिन अभी रिसेंट मंथ में जो सफलता मिली है, ना केवल अभी हॉलीवुड की बात करें तो मिशन इम्पॉसिबल, बाबी, ओपनहाइमर सब एक अच्छे कलेक्शन दिए, और अगर बॉलीवुड और अपना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें,
जो गदर मचाया हुआ है गदर 2 ने, और ओ माय गॉड रॉकी एंड रानी ड्रीम गर्ल 2, तो हर हफ्ते अगर एक नई मूवी भी आ रही है तो इतना जो एंथुसियाज्म है लोगों के मन में कि हर मूवी देखनी है अभी, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने। और आने वाले जो Q2 में जो लाइनअप है वो जवान हो, सालार हो या लियो हो, तो बहुत अच्छे लाइनअप है। तो मुझे लग रहा है कि आपसे नंबर्स जो अभी के एस्टीमेट है कि स्ट्रीट के, वहाँ से बहुत अच्छे आने वाले हैं। और अभी भी अगर डिस्कशनरी स्पेस की बात करें तो PVR INOX अभी भी डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है EV/EBITDA पे। अगर 25 की बात करें तो इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 7x EV/EBITDA और 25x PE में, तो अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रीरेटिंग की अच्छी खासी संभावना है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2200। ये बात आपने संजीव सर बिल्कुल सही कही, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस के अच्छे दिन डेफिनेटली लौट आए हैं। लग रहा था कि पैंडेमिक और उसके तुरंत बाद भी कि शायद OTT इज हियर टू स्टे, और अब मल्टीप्लेक्सेस के या सिनेमाघरों के दिन अब चल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपने सही कहा, बहुत ज़बरदस्त लाइनअप हमने मूवीज़ का देखा, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, और उसका असर सीधा दिखाई दिया है। PVR INOX आए दिन तो बजिंग है ही, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट 12 महीने का इसको समय दीजिए अपने पोर्टफोलियो में 2200 के अपसाइड टारगेट के लिए। ओके, चलिए सिद्धार्थ सर, अब आपकी बारी आती है। जरा बताइए कि ऐसा स्टॉक जो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन साथ दे और फिर उसके बाद सुरक्षा की गारंटी खत्म हो जाए, कोई ऐसा तगड़ा वाला स्टॉक बताइए जो साथ दे आने वाले समय में। देश के बहनों के लिए है, तो उनकी नेसेसिटी को देखते हुए, और वो है हर घर जल, जल की हर घर में जरूरत है। और ये काम करने वाली कंपनी है जो मैं अभी बताने वाला हूं, और वो है APL अपोलो ट्यूब्स। टारगेट आपको रखना है 1760 का, 1760 के टारगेट के लिए APL अपोलो ट्यूब्स, ये लीडर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में। मार्केट शेयर जो एक समय पे कुछ साल पहले 26% हुआ करता था, वो 55% पे आ गया है। कैपेसिटी 3.6 मिलियन टन पर एनम है। ट्रांसपोर्टेशन जो काम करती है इनकी ट्यूब्स जो है वाटर और ऑयल एंड गैस में, इसलिए मैंने कहा हर घर जल का कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है ये साल में FY24 में कामकाजी मुनाफा जो 4480 प्रति टन था वो 5000 रुपए प्रति टन हो जाएगा। केपेक्स भी है, कैपेसिटी बढ़ा रही है कंपनी, 500 से 600 करोड़ का निवेश करेगी 12 से 18 महीने में, और मुनाफों की आप उम्मीद लग सकते हैं 38% CAGR से ग्रो हो सकते हैं आने वाले समय में। APL अपोलो ट्यूब्स टारगेट 1760। ओके, APL अपोलो ट्यूब्स के साथ सिदानी साहब का है भरोसा। चलिए, हमारे जितने दर्शक अभी जुड़े हैं या थोड़ी देर से जुड़े हैं, मैं उनकी सहूलियत के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ आज के सुरक्षा बंधन शेयर कौन कौन से हैं। तो शुरुआत हमने की आर्किन केमिकल के साथ। शरद अवस्थी जी को है इस पे भरोसा, उन्हें लगता है अच्छी स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में और खासतौर से स्टॉक में दिख रही है। 12 महीने के टाइम फ्रेम में 900 तक का टारगेट निकल कर आया है। सिमिलरली हमने देखा शरद सर की तरफ से AB फैशन और स्पेस पर भी भरोसा आया है इस स्टॉक में। खासतौर से उन्हें लगता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो पहले तो 275 और इवेंचुअली 300 तक जाने का यह दमखम रखता है, साल भर आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी होगी। संजीव सर की तरफ से अभी तक दो बेहतरीन पिक्स निकल कर आई हैं, उसमें है एक 5-स्टार बिजनेस फाइनेंस, खरीदारी की रिकमेंडेशन है। आज अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो अगले रक्षाबंधन तक या अगले त्योहारी सीजन की शुरुआत तक 900 तक का स्तर ये छू सकता है, यानी कि इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन आपको इसे समय देना होगा। और वहीं मल्टीप्लेक्स स्पेस, जैसे हमने कहा, फिर से उभरता चमकता दिखाई दे रहा है, और इसका सुनहरा सितारा बनता हुआ PVR INOX दिखा है। पक्की गारंटी है ना सिर्फ सुरक्षा की बल्कि अच्छे रिटर्न, अच्छे मुनाफे की। 2200 के टारगेट के लिए 12 महीने के टाइम फ्रेम में आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी जी की तरफ से आज जो पहली पिक निकल कर आई सुरक्षा बंधन शेयर बतौर, वो है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेंथ भरपूर दिखाई दे रही है, 12 महीने रखिए 1425 के अपसाइड टारगेट के लिए। एंड ऑफकोर्स जो 6th पिक या छठा सुरक्षा बंधन शेयर जो आज अभी तक हमारे शो का रहा है, वो APL अपोलो ट्यूब्स रहा है। 12 महीने के टाइम फ्रेम में सिद्धार्थ जी को लगता है कि अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, सिक्योर तो रहेगा आपका पोर्टफोलियो, रिटर्न भी दमदार मिलेंगे। 1760 तक का टारगेट इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यहीं पर खत्म हो गए हमारे सारे शेयर? जी नहीं, आज त्योहार, इतना बड़ा त्योहार है, तो हम
साथ में आपको और भी यहां पर तोहफे देने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें सेवेंथ सुरक्षाबंधन शेयर की तरफ। शरद सर बताइए। जी तो तीसरा स्टॉक जो मैं आज चुन रहा हूँ वो है स्टर्लिंग विल्सन सोलर कंपनी। ईपीसी की जानी मानी बड़ी कंपनी है, लगभग 19 देशों में कंपनी के ऑपरेशन हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन ग्लोबली भी देखने मिलेगा, इंडिया में भी देखने मिलेगा अगले 8-9 सालों तक। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबली अभी जो लगभग 63 गीगावाट की इंस्टॉलेशंस है वो 2030 तक बढ़ के 155 गीगावाट की इंस्टॉलेशंस हो जाएंगी पर एनम, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। ज़्यादातर PSUs जो इंडिया के हैं वो अगले 2 साल में 18 से 20 गीगावाट सालाना ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है इस कंपनी के लिए। रिलायंस की मेजर होल्डिंग है इस कंपनी में और रिलायंस के अपने लगभग 10 गीगावाट सालाना ऐड करने के सोलर स्पेस में आइडियाज हैं, तो जिसका मेजर पोर्शन हमारे हिसाब से इस कंपनी को मिलना चाहिए। कंपनी ने नाइजीरिया में एक बैटरी स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट साइन अप किया है, कुछ पॉलिटिकल डिलेज की वजह से वो थोड़ा डिलेड है, बट हमें लगता है अगले 3 से 4 महीनों में वो भी हो जाना चाहिए। अर्लियर प्रोमोटर्स ने कंपनी को इंडेमनीफाई किया था कुछ लॉसेस के अगेंस्ट में, जिसका फायदा अगले क्वार्टर से आने लगना चाहिए, 150 करोड़ के आसपास शायद अगले क्वार्टर में, टोटल क्वांटम लगभग 1000 करोड़ के आसपास है, तो वो भी ग्रेजुअली फ्लो इन करना चाहिए। बहुत नॉर्मली भी अगर मैं ये नंबर्स एस्टिमेट करूँ कि जो नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, तो मुझे लगता है 1.25 साल में अर्निंग करीब 30-35 रुपये के आसपास आनी चाहिए, और 30-35 रुपये के हिसाब से हमें लगता है 20 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए, तो 650-650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से स्टर्लिंग विल्सन सोलर। SW सोलर या स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर यहां पर भरोसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छे फंडामेंटल्स गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के दिख रहे हैं और इसी के दम पर ये आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकता है। 600 एंड इवेंचुअली 650 तक का भी ये लक्ष्य छूने का दमखम रखता है। संजीव सर जरा बताइए कैसे अपने पोर्टफोलियो को पक्का किया जाए, इसकी बुनियाद बिल्कुल मजबूत रहे, उसके लिए कौन सी सुरक्षा आप प्रदान करेंगे, आपकी तरफ से तीसरा सुरक्षा बंधन शेयर। जी जो तीसरा पिक है वो है रियल एस्टेट स्पेस से कोल्टे पार्टी डेवलपर। ये 3 decades ओल्ड कंपनी है पुणे की, जो कि करीबन अभी 35 मिलियन स्क्वायर फीट का इसका GDP का पोटेंशियल टारगेट है, जो 25,000 करोड़ निकल के आता है। हालांकि इसका जो अभी पुणे में ही 82% है, लेकिन मैनेजमेंट का हमारे साथ जो इंटरेक्शन हुआ है वो ये लग रहा है कि बाय 2025 वो और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और 25% बाय 2025 मुंबई से ही आ जाएगा। इसका जो एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है पुणे में जिसका नाम है लाइफ रिपब्लिक, एक कैश काउ बन चुका है और एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बन चुका है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट का पूरा अनुमान लगाए तो 18.6 मिलियन स्क्वायर फीट है, और मैनेजमेंट का ये मानना है FY24 के लिए करीबन 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट का लॉन्चेस होगा, जिसका कि ऑलरेडी 3 मिलियन स्क्वायर फीट का लॉन्च हो चुका है। ये कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि हर 3 साल में कंपनी का GDP डबल हो रहा है विदाउट एनी डेट इन द बुक। अभी भी देखें बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट नील डेट है क्योंकि JDB मॉडल है इसका, तो कोई बैलेंस शीट में प्रेशर नहीं होता है और GDP डबल होते रहता है 3 साल में, इसीलिए ये कंपनी प्रीमियम में ट्रेड होती है NAV का और अभी भी ट्रेड हो रही है, और मुझे मानना हमारा मानना है कि यहाँ से भी कंपनी का प्रीमियमाइजेशन और हो सकता है, तो ये यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 554। रियल्टी का और खासतौर से पुणे के जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका एक जाना माना नाम है, पुणे का आप दौरा करेंगे तो आपको कई बड़ी इनके प्रोजेक्ट्स इनके नाम से दिखाई दे जाएंगे और भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब अपना एक्सपांस ये मुंबई की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। 12 महीने के टाइम फ्रेम में 554 के अपसाइड टारगेट के लिए डेफिनेटली इसे आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा चलिए आज के शो का अंतिम शेयर है वो हम सिद्धार्थ जी से लेंगे। सिद्धार्थ जी, अब कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जो बाजार की दुनिया भर की उठा पटक को इंड्योर कर सके और सुरक्षा दे सके। ये कंपनी बनाती है सस्पेंशन ब्रेकिंग सॉल्यूशंस देती है, 40% का मार्केट शेयर है इनका फ्रंट फॉक्स में, 37% का मार्केट शेयर है इनका शॉक अब्सॉर्बर्स में,
ट्रिम्फ जो ब्रांड है इसके भी 330 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑर्डर आई ब्रेक्स अलॉय व्हील्स और इत्यादि प्रोडक्ट्स के लिए। पहले तिमाही में जो ऑर्डर बुक मिले हैं 300 करोड़ के, नाम सुनिएगा एक से एक नाम, रॉयल एनफील्ड, टीवीएस मोटर्स, हीरो, जैगुअर लैंड रोवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनसे ऑर्डर मिले हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को। 31% कामकाजी मुनाफे से सीजीआई से ग्रो होने वाली कंपनी, 350 करोड़ का केपेक्स, बेहतरीन कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ऑटो एंसरे की रफ्तार 1900 के टारगेट के लिए। ओके, 1900 तक का टारगेट बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा क्विकली मैं शरद जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप मुझे बिल्कुल 15 सेकंड में बता सके वो गोल्डन टिप्स जिससे हमारे दर्शक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि कोई चीज इधर डामाडोल ना हो। बेसिकली हियर से टिप्स पे मत जाइए, लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है एक थोड़ा सा फंडामेंटल जिसमें बेसिक आपको पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वैल्यूएशन कंफर्ट खास करके जहां हो उन स्टॉक्स में पैसा लगाइए, जनरली वहां गलत पड़ने की जगह काफी कम हो जाती है। ओके, संजीव सर क्विकली 10 सेकंड में अगर आप बता सके, जिन लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं होता है और उनको शेयर बाजार से रिटर्न भी अच्छे कमाने हैं, उन वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, इसका एक या दो टिप बता दीजिए। बहुत सिंपल है उसके लिए, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये दोनों अगर किसी के पास है तो पैसा कमाना शेयर मार्केट में मुश्किल नहीं है। तो डिसिप्लिन और पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, पैसा जरूर आएगा। ओके, और सिडानी सर आपसे एक सवाल, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है, जिनसे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो असुरक्षित हो जाता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है? ग्रीड एंड फियर, आपको ग्रीडी नहीं होना है और फियरफुल भी नहीं होना है जब बाजार में कुछ पैनिक है, थोड़ी गिरावट हो, तो ग्रीड एंड फियर से दूर रहे, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वेरी वेल, चलिए शरद जी, संजीव सर और सिडानी साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े और इतने बेहतरीन नायाब शेयर आपने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर हमारे दर्शकों के साथ बांटे। चलिए तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।